अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल बिलाल। तो गाइस, आज की वीडियो का आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। आज की वीडियो के अंदर हम आपको पोटरी लोगो बनाना सिखाएंगे कि आप भी अपनी पोटरी लोगो कैसे बना सकते हो। अगर आप पोटरी बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, उसके लिए आपको लोगो भी चाहिए होता है, तो आपको लोगो बनाना मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद 9:16 वाला साइज़ को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कलर पे आ जाएं। कलर आप जहाँ से कोई भी रख सकते हैं, जहाँ से मैं ब्लैक को चूज़ कर लेता हूँ। ब्लैक को चूज़ करने के बाद आपने सिंपल आ जाना है ऊपर टेक्स्ट के ऑप्शन पे। टेक्स्ट के ऑप्शन पे आने के बाद हम जहाँ से अपना पहला लोगो बनाएंगे तो वो आप देख लें। तो हम जहाँ स्पेस देंगे, यहाँ अपना नाम लिख लें, फिर स्पेस देंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम आ जाएंगे ए के ऑप्शन पे और आ जाएंगे डबल ए के ऑप्शन पे। और माई फ़ोन में आने के बाद ये वाला फ़ोन को इस्तेमाल कर ले। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाले को अप्लाई कर लेता हूँ। ये अप्लाई कर लिया है। उसके बाद आपने बैकग्राउंड के ऑप्शन पे आना है। इसको रेड बैकग्राउंड दे दें, आप कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आएँ, उसके बाद आप इसको थोड़ी सी दे दें साइडों को, कर्व टाइप की दे दें। तो हम इसको ये भी दे देते हैं, तो ये इस तरह से। उसके बाद फिर आपने प्लस के आइकॉन पे करना है और न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे आ जाना है और जहाँ से अपना आगे वाला टेक्स्ट को लिख लें। तो मैं अपना आगे वाला टेक्स्ट लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी से। और इसको भी आगे और पीछे से स्पेस दे दें, तो इसको भी आपने इस तरह से ले आना। उसके बाद आपने फिर आ जाना है डबल ए पे और माई फ़ोन पे आने के बाद जहाँ से फ़ोन ये वाला सिग्नेचर वाला फ़ोन को अप्लाई कर लें। सिंपल आप इसको जहाँ रखें, जहाँ रखना चाहे रख सकते हैं ऐसे। इसकी एडजस्टमेंट छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप इसकी एडजस्टमेंट अपने हिसाब से रख सकते हैं ऐसे। तो मैं यहाँ इसको रख देता हूँ। उसके बाद हम दोनों को ऊपर से लॉक लगा देते हैं। लॉक लगाने के बाद आपने सिंपल आ जाना है नीचे और टेक्स्ट पे आ जाना है। न्यू टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ से हम अपना लिख लेते हैं यूट्यूब, ये डॉट लगा लें, और एडिटिंग तो ये लगा लेते हैं। तो उसके बाद ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद सिंपल आपने कलर पे आना, जहाँ से ये वाला कलर को कर लें अप्लाई। आ जाएं डबल ए पे और फ़ोन पे आ जाएं और कोई भी फ़ोन को अप्लाई कर लें। तो ये वाला फ़ोन अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं बी के ऑप्शन पे और जहाँ से यू पे अप्लाई कर देंगे कि आपकी लाइन नीचे आ जाएगी। उसके बाद नीचे आए स्पेस के ऑप्शन पे और जहाँ से इसको थोड़ी सी स्पेस दे दें, तो इसको आपने यहाँ रख लेना है इस तरह से। तो इस तरह से उसके बाद हम इसको भी लॉक लगा देते हैं। प्लस के आइकॉन पे आएंगे और जहाँ से आ जाते हैं अपने न्यू टेक्स्ट पे। और न्यू टेक्स्ट पे आने के बाद जहाँ हम वो उसको कहते हैं ऊपर हम स्टार वगैरह लगा लेते हैं। यहाँ से लगा लें, नहीं तो आप ऐसे करें, आप यहाँ ना लगाएं, इसको कट कर दें। ऊपर प्लस के आइकन पे आएँ, शेप पे आएँ और जहाँ से स्टार वाली शेप आपको मिल जाएगी सिंपल तरीके से। तो उसके बाद आप कलर इसका कोई भी रख सकते हैं। तो मैं जहाँ से येलो रख लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ रख लेना है इस तरह से, बड़ा छोटा कर लें आप अपने मर्जी के हिसाब से। तो हम एक यहाँ लगा लेते हैं इस तरह से और इसकी एक कॉपी कर लेते हैं। इसको लॉक लगा के कॉपी कर लें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें और ऊपर की तरफ ऐसे लगा दें, तो ये इस तरह से। उसके बाद आपने आना है जहाँ और आपने इसको ट्रांसपेरेंट करके अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। सेव एज गैलरी हाई 18 पे रख कर आपने इसको सेव कर लेना है। तो ये आपका पहला लोगो बन गया है। उसके बाद हम दूसरा लोगो की तरफ चलते हैं। तो इसको सभी को डिलीट कर देते हैं जहाँ से। दूसरा लोगो हम करते हैं अब क्रिएट। न्यू टेक्स्ट पे आ जाना है और जहाँ से हमने अपना उर्दू वाला अब लोगो बनाएंगे, तो सिंपल आपने जहाँ अपना नाम लिख लेना है
तो मैं यहाँ अपना नाम लिख लेता हूँ इस तरह से। उसके बाद इसको बड़ा कर लें, आ जाएं ए के ऑप्शन पे और फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे चले जाएं, और जहाँ से हम अपना एक फ़ॉन्ट अप्लाई करेंगे, सभी फ़ॉन्ट वगैरह की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो ये वाला फ़ॉन्ट को अप्लाई कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद हम आ जाते हैं कलर के ऑप्शन पे, और इस ए को ये वाला कलर देंगे और पहले नाम को हम येलो देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएं, नीचे आपको मिल जाता है शेडो का ऑप्शन, आपने शेडो को इनेबल कर देना है, थोड़ी सी शेडो आ जाएगी आपकी। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने प्लस के आइकॉन पे आना है और न्यू टेक्स्ट पे आ जाना है। न्यू टेक्स्ट पे आने के बाद इंग्लिश कीबोर्ड को कर लें। उसके बाद हम जहाँ एडिटिंग एडिटर लिख लेते हैं, तो ये हमने लिख लिया इस तरह से, तो ये आ गया है। उसके बाद आपने आ जाना है ए के ऑप्शन पे और आ जाना है फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे। फ़ॉन्ट आप कोई भी अप्लाई कर लें, ये आपके लेटर कुछ छोटे हैं तो इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। ये ई आर, तो इसको भी थोड़ी थोड़ी स्पेस दे देते हैं। स्पेस देने के बाद आप इसको जहाँ रखना चाहें रख सकते हैं। नीचे आएंगे, नीचे आपको मिल जाता है स्पेस का ऑप्शन, तो आप इसको थोड़ी सी स्पेस दे दें कि आपका लोगो बहुत ही देखने को इंटरेस्टिंग और अच्छा लगे। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, अगर आप इसको शेडो वगैरह देना चाहते हैं ये दे दें। उसके बाद नीचे आए रिफ्लेक्शन पे आए, तो इसको रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं इस तरह से अगर देना चाहें तो। ये हम दे दिए, इसको दोनों को लॉक लगा देते हैं। प्लस के आइकॉन पे आते हैं, फ्रॉम गैलरी पे आते हैं। फ्रॉम गैलरी पे आने के बाद जहाँ से कोई हट वाली ले लेते हैं, तो जहाँ से मैं जे वाली ले लेता हूँ, तो उसके बाद हम इसका साइज़ को छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद आपने आना है सिंपल जहाँ आपको मिल जाता है जो रेज बैकग्राउंड, जहाँ आ जाएं उसको कर दें यहाँ से 50 या 55 जहाँ से, तो इतना कर दिया है। उसके बाद ओके करें। ओके करने के बाद हम आ जाते हैं कलर के ऑप्शन पे, और इसको कलर आप कोई भी दे सकते हैं, तो मैं इसको रेड ही रहने दूंगा। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो बहुत ही अच्छे से, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। आपका लोगो तैयार हो गया। इसको भी आपने सेम वैसे ही अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेना है, सेव कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हम चलते हैं अपने आगे वाले लोगो की तरफ। तो आगे वाला लोगो हमारा कुछ इस तरह से है। तो आगे वाला लोगो को हम सिंपल हमारा नाम ही समझो, वो लाइंस वाला है लोगो। तो जहाँ से हमने ये वाला लोगो तैयार करना है, सिंपल आप यहाँ आए और आएँ ए के ऑप्शन पे। ए के ऑप्शन पे आने के बाद माई फॉन्ट पे आ जाएं, और जहाँ से ये वाला ये बार कोड वाला ये वाला लोगो, तो सिंपल आपने इसको कुछ नहीं करना है, इसको ट्रांसपेरेंट करके अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। तो उसके बाद हम आगे के लोगो की तरफ चलते हैं। तो आगे वाला लोगो हमारा कुछ इस तरह से है, आपको बताता हूँ हमारा आगे वाला लोगो। फिर हम आ जाते हैं, उर्दू राइट वाला ही लोगो है हमारा, अगर आप वो बनाना चाहें वो बना लें। और जहाँ आपको ये वाला लोगो बता देता हूँ, तो यहाँ से आपने शेप के ऑप्शन पे आके यहाँ से एक डब्बा है साथ ले लेनी है, शेप इस तरह से ले लेनी है। उसके बाद इसको कर देना है, ओपेसिटी कम कर देनी है। स्ट्रोक पे आना है, स्ट्रोक आपने दे देना है इसको जेलो या कोई भी दे दें, तो हम यहाँ से जेलो वाला दे देते हैं और इसको थोड़ा सा स्ट्रोक दे देते हैं ज़्यादा। उसके बाद आपने प्लस के आइकन पे आना है, फ्रॉम गैलरी पे आना है, और जहाँ से आपने ये वाली पीएनजी ले लेनी है, ये पीएनजी आपने ले लेनी है। तो इस पीएनजी को लेने के बाद आपने सिंपल जहाँ आना है वो सेकंड नंबर पर आना है, कलर के ऑप्शन पे आना है, इनेबल कर देना है ये वाला कलर। उसके बाद आपने नीचे आना, नीचे आपको मिल जाता है रिमूव कलर बैकग्राउंड जो भी है, इसको आपने इनेबल कर देना है। इसको आपने जहाँ रखना चाहें रख ले ऐसे, तो ऐसे आप इसकी एडजस्टमेंट कर लें, इसको लॉक लगा दें। उसके बाद आप प्लस के आइकन पे आएँ और न्यू टेक्स्ट पे आने के बाद जहाँ अपना टेक्स्ट लिख लें, तो जहाँ आप अपना टेक्स्ट कोई भी लिख सकते हैं, अपना नाम वगैरह जो भी आप जिसके लिए बना रहे हैं।
थोड़ी सी स्पेस दें, ओके करें, उसके बाद आप आ जाएं ए के ऑप्शन पे, और डबल एफ के ऑप्शन पे आने के बाद आप आ जाएं नीचे, नीचे आपको फ़ोन मिल जाएगा, सभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप वहाँ से आके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला फ़ोन भी बहुत सी इस्तेमाल होता है, तो जहाँ से आप जे वाला फ़ोन को अप्लाई कर लें अगर जे करना चाहें, अगर और कोई करना चाहें आप और भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह का फ़ोन है, उसके बाद आपने इसको भी लॉक लगा देना है, नीचे आना है, नीचे आएंगे और यहाँ आपने ये वाला लगा देना है, यूट्यूब वगैरह जो भी लगाना चाहें यूट्यूब लगा देते हैं, ओके करते हैं, ओके बाद आ जाना है नीचे, नीचे आपने फ़ोन के ऑप्शन पे आ जाना है और जहाँ से जे वाला फ़ोन लगा देना है, जे वाला, तो जे वाला फ़ोन हम लगा देते हैं इस तरह से। उसके बाद आपने नीचे आना है, रिफ्लेक्शन के ऑप्शन पे आना है और जहाँ से 3D शेडो दे दें, पहले इसको थोड़ी सी शेडो दे दें, उसके बाद रिफ्लेक्शन के ऑप्शन पे आएँ और इसको रिफ्लेक्शन भी दे दें नीचे की तरफ, और इसका कलर आप कलर पे आके कलर को आप जेग रख दें, ये आपका लोगो तैयार हो गया। इसके बाद आपने सिंपल इसको भी वैसे ही आपने कर लेना है ट्रांसपेरेंट, उसके बाद सेव कर लेना है, तो मैं नहीं करूँगा। उसके बाद हम आगे वाला लोगो की तरफ चलते हैं, तो कर ही लेते हैं, तो जहाँ से हम ये वाला लोगो भी कर लेते हैं सेव, उसके बाद हम आ जाते हैं फिर जहाँ से ये सभी को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद प्लस के आइकॉन पे आते हैं और न्यू टेक्स्ट पे आने के बाद जहाँ से अपना एक और लिख लेते हैं, तो जहाँ से हम उर्दू वाले बना लेते हैं एक अली नाम वाला, तो जहाँ से अली के नाम वाला बना लेते हैं, तो ये बना लिया है हमने, ओके करना है। उसके बाद आपने आ जाना नीचे डबल ए पे आना है और माई फोन पे आने के बाद जहाँ से ये वाला, जहाँ से हम कर लेते हैं ये वाला फ़ोन अप्लाई, तो इसको अप्लाई कर लेना है इस तरह से। तो इसके बाद आपने नीचे आना, नीचे आपने इसको शेडो दे देनी है थोड़ी सी ब्लैक, उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद कलर पे आ जाएं, कलर कोई भी दे सकते हैं, तो जहाँ से जेरो दे लेते हैं, तो जेलो दे लेते हैं। उसके बाद प्लस के आइकन पे आते हैं, फ्रॉम गैलरी पे आते हैं, फ्रॉम गैलरी पे आने के बाद जहाँ से आपको बटरफ्लाई की ये मिल जाएगी पिक वगैरह, तो आप इसको ले लें। तो उसके बाद आपने नीचे आना, नीचे आपने इसको भी कर देना है रिमूव बैकग्राउंड, इसको आपने थोड़ा सा ऐसे कर देना है इंक्रीज। उसके बाद आपने आ जाना है एडजस्ट के ऑप्शन पे और इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है, और ह्यू आप इसकी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये कलर इसका तब्दील हो जाएगा, तो हम इसको कलर जहाँ से जे वाले ही रहने देंगे और इसको थोड़ी सी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल इसको पकड़ना है, जहाँ आप रखना चाहे रख लें, तो हम इसको यहाँ रख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सेंड टू बैक कर लेते हैं, तो ये हमारा स्टेटस अब बहुत ही ज़्यादा नाम का लोगो तैयार हो गया। उसके बाद हम दोनों को लॉक लगा लेते हैं, न्यू टेक्स्ट पे आते हैं, न्यू टेक्स्ट पे आने के बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे हमारा ये इंग्लिश में लिख लेते हैं एडिटर DITER, तो ये लिख लेते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप इसको भी वही दे सकते हैं लोगो वगैरह का डबल ए पे आके, जहाँ से जो कोई भी दे सकते हैं ये फ़ोन, तो ये दे दे कोई भी दे ले आपकी मर्ज़ी, तो हम जहाँ से ये वाला लगा देते हैं, तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला ठीक होगा। तो उसके बाद हम स्पेस पे आएंगे और इसको स्पेस दे देंगे, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, तो ये इस तरह से। उसके बाद इसका साइज़ को छोटा कर लें, ऐसे रख लें जहाँ रखना चाहें, तो उसके बाद इसको भी आपने वैसे ही ट्रांसपेरेंट करके सेव कर लेना है। तो आपको सभी PNG वगैरह के लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, खुदा हाफिज़।